नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एग्जाम फाइटर परिवार में। और दोस्तों, आज ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही खास मकसद है, बहुत ही खास मकसद के आया हूँ आपके सामने। आना तो नहीं चाहता था, पर बात छात्रों की है तो आना बहुत जरूरी था। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि पूरे देश में SSC और रेलवेज के छात्रों ने एक मुहिम छेड़ रखी है, तो आपका एग्जाम फाइटर परिवार भी इससे दूर कैसे रह सकता है। आपके एग्जाम फाइटर के जितने भी सदस्य हैं, इनको इस मुहिम से दूर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि SSC की जो SSC के खिलाफ जो बहुत पहले से एक लड़ाई चली आ रही है, उसमें एग्जाम फाइटर भी बहुत बड़ा एक हिस्सा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा वीडियो गौर से देखिएगा। और साथ ही साथ मैं उन झारखंडी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ये बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर झारखंड गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी इस तरह की एक मुहिम चली जाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस आप थोड़े से दिनों का इंतजार करें, बस थोड़े से दिनों का। एग्जाम फाइटर परिवार जो है बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बात करता है, अभी वो समय सही नहीं है, अभी वो समय सही नहीं है। बस मैं जजमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, सोनी कुमारी के जजमेंट का। उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसीजन इसी वक्त इसी महीने आएगा, ये निश्चित है, सितंबर माह में ही आएगा, ये आप निश्चिंत रहिए। उसके अकॉर्डिंग उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारे जो प्रोमिसेस के साथ, जिस प्रोमिसेस के साथ गवर्नमेंट आई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर वर्क नहीं होगी तो इससे भी बड़ा आंदोलन होगा, ये आप निश्चिंत रहिए। बस आपका साथ चाहिए हमें, क्योंकि आपका यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं, मैं आपको बता दूँ, ना तो मीडिया ना तो गवर्नमेंट, कोई नहीं। आप ये देख लीजिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो 2.5 करोड़ का जो वादा करके आए थे कि 2.5 करोड़ रोजगार हर साल, जिस प्रॉमिसेस के साथ 2014 में आए थे, क्या वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। साहब तो फोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, उन्हें तो फोटो खिंचाने से फुर्सत नहीं है, ठीक है, मन की बात करते हैं, हमेशा मन की बात आके करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने छात्रों के मन की बात की? नहीं की। तो छात्र अपने मन की बात और मन की भड़ास खुद निकालेंगे, और आपको निकालना होगा, इसके लिए आगे भी आना होगा। इतना बड़ा कल से एक मुहिम चल रहा है, क्या किसी मीडिया ने आपको दिखाया? नहीं दिखाया। रिपब्लिक भारत पे वही चल रहा है, रिया चक्रवर्ती का घिसा पिटा प्रोग्राम, जो अर्णव भैया जो है वो बने हुए हैं, CBI बने हुए हैं, जी न्यूज का एक अलग मुद्दा है, ठीक है, NDTV का, मतलब कोई भी आपके सपोर्ट में नहीं आना चाहता, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, मैं आपको बता दूं। और भरोसा रखिए आप लोग, इस लड़ाई में हम लोग जरूर सफल होंगे, क्योंकि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ये हम सबको बात रिकॉल करने की आवश्यकता है। मेरा इस इतनी गर्मी में जो है वीडियो बिना पंखे के और वीडियो बनाने का एक मकसद है कि आपको जो है आपकी आत्मा को जगा सकूं, और आपको जागना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जागे तो आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा। मैं इस मुहिम में बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं ये, और जो जानते हैं वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगा कि 2014 में जब SSC का पहला मूवमेंट हुआ, मैं तब से जुड़ा हुआ हूँ। और ये बात भी बहुत कम लोगों को पता है कि 2014 में जो PMO में जो टीम गई थी, उन 4 सदस्यों में मैं भी था। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसका सब कुछ डिटेल आएगा। मैंने ही जितेंद्र सिंह से मुलाकात की थी, मैंने ही जो है टाइमिंग लिया था, और ऑनलाइन का रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने दिया था, और इसका पूरा प्रूफ मैं आपको सामने स्क्रीन पर दिखाऊंगा और अपने पेज पे भी दिखाऊंगा। हम हवा में बात नहीं करते, तो बहुत पुराना अनुभव है, बहुत कुछ बदला हुआ, बहुत हद तक नहीं बदला हुआ, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हुआ। ऑनलाइन एग्जाम हुआ, बहुत सारी जो है उससे जो चीटिंग रुकी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं रुकी। लेकिन आज जो मुद्दा है, आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं, वो है जॉब की। जो मोदी सरकार प्रोमिसेस की थी, वो उस प्रोमिसेस में पूरी तरह से फेल हो गई, और अब हमारा जो भी है पेशेंस, वो भी फेल हो चुका है। तो अब हमें एक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। कोरोना काल, आपको पता है, आप कहीं जा नहीं सकते, तो आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको आक्रोश दिखाना होगा। जो डिसलाइक आपने कल दिखाया था मोदी जी के वीडियो पे, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के वीडियो पे, ठीक है, वो आपको बार बार उस तरह का मुहिम, आपको अपना जज्बा जगाए रखना होगा। मुझे याद है 2014, 4 नवंबर 2014 से हम लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे, और 4 जनवरी 2015 को हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर साहब से हुई थी। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, 2 महीने का बहुत ही लंबा समय, इतनी लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी। और SSC में जो एज का भी मुद्दा था, 32 ईयर्स, मैं आपको बता दूं, उसके लिए भी केस कैट कोर्ट दिल्ली में मैंने ही फाइल किया था। मैं आपको बता दूं, पूरी डिटेल बता दूं, तो ये लड़ाई बहुत लंबी लड़नी पड़ती है दोस्त। अगर आप सोच रहे हैं कि एक या दो बार या एक या दो दिन आके आप इस सिस्टम को बदल देंगे, तो आप भ्रम में हैं। आपको जागना होगा, कंटिन्यूअस लड़ाई लड़नी होगी, आपको खौफ पैदा करना होगा, क्योंकि हमसे सरकार है, हम सरकार चुनते हैं, सरकार हमें नहीं चुनती। और जिस प्रोमिसेस के साथ मोदी गवर्नमेंट आई थी, वो पूरी तरह से फेल हो चुकी है। 2.5 करोड़ रोजगार मिला? नहीं मिला। और भी जो डिजायर्ड थे, हर चीज, ये एक सेट का जो अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसका लॉलीपॉप थमा दिया गया, इस पे चलेगा कुछ दिन न्यूज, लेकिन कोई भी छात्र हित की बात नहीं करता। हमें अपनी बात खुद करनी होगी, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इसी परिप्रेक्ष्य में जितने भी टीचर्स, जो भी छात्र एक लंबी मुहिम जो छेड़ रखे हैं,
आपको भी इस मुहिम का हिस्सा बनना है। और जो लोग ट्विटर चलाना नहीं जानते, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं चाहते, मैं इन सब उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्त सीख लो। आपको जब अपनी लड़ाई खुद लड़नी है तो आपको हथियार के तौर तरीके भी खुद पता होना चाहिए। अभी आप कोरोना काल में प्रोटेस्ट कर नहीं सकते, सरकार प्रोटेस्ट करने नहीं देगी, तो आपके पास यही एक हथियार है आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हो और इससे खौफ पैदा कर सकते हो सरकार के अंदर, और वो हो भी रहा है और होगा भी, मुझे पूरा विश्वास है। और यही चीज हम लोग झारखंड गवर्नमेंट के साथ भी करेंगे, बस अगर हमारी डिजायर्ड जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो बस आप पेशेंस रखिए, मैं बस जजमेंट का इंतजार कर रहा हूं दोस्तों, पेशेंस रखिए। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप ट्विटर चलाना सीख लें, क्योंकि ये बहरी सरकार, मोदी जी की बहरी सरकार बिना धमाके के नहीं सुनने वाली है। ट्विटर से इन पे धमाका करना होगा, फेसबुक से इन पे धमाका करना होगा। और एक हैशटैग जो कंटिन्यूअस चल रहा है, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जो हैशटैग आ रहा है, इस हैशटैग के साथ हमें अपनी लड़ाई, जब तक कोरोना काल खत्म नहीं होता, हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी है। और यह सरकार को बताना है कि अब मोदी जी आप हमें मूर्ख नहीं बना सकते। 2.5 करोड़ फॉर्म पड़े दोस्तों, 2.5 करोड़, सोचिए अगर 2.5 करोड़ में 50% भी लोग अगर जागृत हो गए, अगर जाग गए, तो कितना बड़ा सैलाब आएगा, कितना बड़ा जो है एक लड़ाई बनेगी। ये आपको जागना होगा, मैंने आपको बताया ना, कोई मीडिया कोई सरकार आपके साथ नहीं आने वाली, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। इमेजिन करिए 2.5 करोड़ जो फॉर्म भराया था, 500 फॉर्म लिया गया था, आप इमेजिन करिए खरबों में रुपया आया ये, तो क्या ये नेताओं के जेब में डालने के लिए हम लोगों ने पैसे दिए थे, सरकार के जेब में डालने के लिए, ब्याज पे लगाने के लिए? नहीं, हमने अपने लिए दिए थे, क्योंकि हम अपने एक जॉब का सपना जो बहुत दिनों से देखते हैं, सबकी एक उम्मीदें होती हैं कि एक अच्छी सी जॉब मिले, उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं हम लोग, और उसके बाद निराशा। मीडिया को यह दिखाने का समय है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत शर्मा का वो दिखाने का समय है कि सुशांत शर्मा के साथ यह हुआ, छात्रों के साथ ना जाने कितने छात्र बेरोजगार होके डिप्रेशन में आके सुसाइड करते हैं, क्या कभी मीडिया वो ना आपने आपको दिखाया? नहीं दिखाया। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी हो दोस्त, आपको जागना होगा, आपको लड़ाई के लिए तैयार होना होगा, ठीक है। एक सोशल मीडिया पे, अभी हम लोग सोशल मीडिया पे ही मुहिम चला सकते हैं, तो आपको जागना होगा। जो हैशटैग है, मेरा सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो हैशटैग चल रहा है, कल 10 या 11 बजे से मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूं, 10 या 11 बजे जो हैशटैग प्रोग्राम है, ये कंटिन्यूअस हम लोग चलाएंगे एसएससी और रेलवे को लेके। जो प्रॉमिसेस की गई थी 2019 का जो विधान लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था, उसके पहले जो वैकेंसीज आई थी, 1.5 साल से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उस पर सरकार चू तक नहीं बोली है। एग्जाम डेट तो छोड़िए, एजेंसी तक इनका फाइनल नहीं हो पा रहा है। इस सरकार, निकम्मी सरकार से, इस मोदी जी की निकम्मी सरकार से, मैं निकम्मी सरकार बोलूंगा, जो छात्रों के लिए बिल्कुल निकम्मी है, इससे एक एजेंसी तक फाइनल नहीं हो पा रही, ये सोचने वाली बात है। 4 बार इन्होंने एजेंसी का नोटिफिकेशन निकाला, आप सभी दोस्तों ने देखा, अभी तक इनसे एजेंसी नहीं फाइनल हो पा रही है। ठीक है, आप 2.5 करोड़ लोगों का एग्जाम अभी नहीं करा सकते, लेकिन आप ये बता तो सकते हैं कि आप एग्जाम कब लेंगे, जनवरी फरवरी? सारे एजेंसी एग्जाम के डिक्लेरेशन कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपके मन में क्या खोट है? आपको यह बताना होगा, 100% बताना होगा, और अब आपको बताना ही पड़ेगा। 90,000 वैकेंसी, क्या वो एक चुनावी जुमला था? 90,000 वैकेंसी का जो आपने ख्वाब दिखाया था और लोकसभा चुनाव के पहले, क्या वो एक चुनावी जुमला था? दोस्त मैं आपको बार बार बताऊं, मूर्ख हमें जो इनके चुनावी जुमलों में फंस जाते हैं। देखिए बिहार में चुनाव हुआ, अभी वैकेंसी पे वैकेंसी निकल रही है, उस वैकेंसी का फ्यूचर क्या होगा, वी डोंट नो, बट देखिए वैकेंसी पे वैकेंसी लॉलीपॉप दिया जा रहा है। मूर्ख हम जो फंसते हैं, लेकिन अब हमें नहीं फंसना, अब हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और यह सरकार को बताना है कि हम जाग चुके हैं, हम बेवकूफ नहीं हैं। बहुत देखे आपके झांसे, अब नहीं देखना, अब अपनी लड़ाई लड़नी है और लंबी लड़ी है। बिना आप सिर्फ आधा घंटा समय सोशल मीडिया पर दीजिए, मैं प्रत्येक छात्र से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं प्रत्येक छात्र से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने दिन भर के 24 घंटे के सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया पर दीजिए और देखिए कितना बड़ा सैलाब आएगा। और कोरोना खत्म होने के बाद जब सोशल डिस्टेंसिंग की बाध्यता, मेरे नजर में तो ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, बस ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं। हो सकता है कुछ दोस्तों के इस पर निगेटिव विचार होंगे, लेकिन मेरा विचार जो मैं आपको बताऊं, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद हम ये एक मुहिम, एक बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है, आप इमेजिन करिए कि 1 करोड़ लोग जब सड़क पर आ जाएंगे, छात्र पे आ जाएंगे, तो सरकार का क्या दशा होगा, सरकार का सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। मैं बता दूं, मैं सरकार को चिता देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अभी भी समय है, जाग जाओ, अगर हम छात्रों की बात नहीं सुने तो भुगतना पड़ेगा।
भुगतना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने बहुत कर लिया हमारे सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़, अब बर्दाश्त नहीं करने वाला, कोई भी छात्र बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधे घंटे के लिए सिर्फ सोशल मीडिया पर समय दीजिए, सिर्फ 24 घंटे में आधे घंटे पर समय दीजिए, और उस आधे घंटे में आप अपना आक्रोश उस हैशटैग के साथ चलाइए ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा माध्यम है जिसपे लोग बहुत ही, जितने भी पॉलिटिशियन है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, ठीक है, वो भी ट्विटर पे बहुत एक्टिव है, ठीक है, तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो जो है ट्विटर पे एक्टिव है, तो आप अपना आक्रोश ट्विटर के माध्यम से ज्यादा दिखा सकते हैं, आपको जहां भी मन करे, लेकिन फेसबुक जहां भी, लेकिन ट्विटर पे ये अभियान कंटिन्यूअस चलना चाहिए, और इस अभियान जो है आप जुड़े रहिएगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने आपको बार बार बताया कि आपको आपकी लड़ाई खुद ही लड़नी है, कोई नहीं लड़ने वाला, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और जो दोस्त बार बार मैसेजेस कर रहे हैं झारखंड में इस तरह का एक प्रोटेस्ट करने के लिए, तो दोस्त एग्जाम फाइटर हमेशा प्रैक्टिकल होकर बात करता है, तो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर बताऊं, केस का डिसीजन आने दीजिए, फिर एक अल्टीमेट देके काम कराया जाएगा और इसी तरह का प्रोटेस्ट किया जाएगा, अभी वो सही समय नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने भी एसएससी और रेलवे के छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस प्रॉपर हैशटैग के साथ आप सोशल मीडिया पे आप अपना आक्रोश दर्ज करिए और आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। ये मेरा वादा नहीं, विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा, 100% झुकना पड़ेगा, बस आपका साथ चाहिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से आप साथ देने का वादा करें, आप ये लड़ाई निश्चित जीतेंगे, ये हमारा पूरा पूर्ण विश्वास है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जितना शेयर कर सकते हैं, और आप हमारे साथ बने रहिए, ये लड़ाई अब कंटिन्यूअस चलेगी। जय हिंद, जय भारत।